क्या हालचाल है मेरे छोटे मोटे विद्वानों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ। फर्स्ट लेक्चर मैंने डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स, एटम्स, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो अपने विद्वान होने के सबूत के साथ साथ सेकेंड लेक्चर देखना शुरू कर दो। कॉपी पेन लेके बैठना, पहले बता रहा हूं ताकि नोट्स बनाते रहो, रिविजन में बहुत काम आने वाले हैं। देखो एलिमेंट्स मैंने बता दिया था आपको, फिर भी थोड़ा सा रिपीट करता हूं ताकि पढ़ने में हमें समझ में और मतलब मजा आ जाए पढ़ने में। और तो क्या है, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस, पहली बात तो यही बताई थी। दूसरा, मोस्टली कहां से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। कहां से? अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। अपना स्पेलिंग का माजरा थोड़ा घटिया है, इसको मैनेज करना। नंबर थर्ड क्या था कि नाइदर ब्रोकन नॉर बिल्ट, नाइदर ब्रोकन, ना तो तोड़े जा सकते हैं भैया, और नाइदर ब्रोकन नॉर बिल्ट, ठीक है ना, ना जोड़े जा सकते हैं ना तोड़े जा सकते हैं। तो मिलेंगे कहां फिर? प्योर है अर्थ क्रस्ट पे मिल जाएंगे। नॉर बिल्ट बाय एनी फिजिकल और केमिकल फोर्सेस। ये बताया था हमने एलिमेंट के बारे में तुमको। अब ना सबसे पहली बात तो एलिमेंट्स अभी जो मौजूद प्रेजेंट टाइम है, जो हमारा, जो अभी जिस टाइम में तुम जिंदा हो, पबजी खेल रहे हो, मूर्खता कर रहे हो, सविता के पीछे जा रहे हो, तो प्रेजेंट टाइम के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं जो अभी मौजूद हैं? वो है 118। क्या है? 188। कितने हैं? 118 एलिमेंट अभी प्रेजेंट में है, जो कि है अभी, ठीक है। इन 118 एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है, एक पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो सिंपली मैं इतना मुश्किल बताऊंगा ही नहीं, इन सारे एलिमेंट्स को जचा रखा है एक टेबल के अंदर, ठीक है, या अरेंज कर रखा है एक टेबल के अंदर, बस एक टेबल के अंदर जचा रखा है, और उस टेबल को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल, बस। अच्छा, हिंदी वालों के लिए क्या है प्योर सब्सटेंस का मतलब? शुद्ध पदार्थ, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट का मतलब? धरती की भूपर पट्टी। अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या हो गया? धरती की भूपर पट्टी पे पाए जाते हैं। नाइदर ब्रोकन नॉर बिल्ट का मतलब ना तो बनाए जा सके और ना ही तोड़े जा सके किसी भी भौतिक बल के द्वारा और किसी भी रासायनिक बल के द्वारा। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक है। 118 एलिमेंट अभी प्रेजेंट में एक टेबल के अंदर रखे गए हैं, उस टेबल को पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं, दैट्स इट। ज्यादा बकवास नहीं, कुछ नहीं, सीधा बात खत्म, ठीक है ना। लेकिन ये 118 एलिमेंट तो अभी है, जो अभी का टाइम है, जिस टाइम में तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। लेकिन इससे पहले का जो टाइम था, आदम का जमाना, प्राचीन जो टाइम था, उस टाइम में 118 शुरुआत से नहीं थे, पहले बहुत कम थे, फिर धीरे धीरे और ज्यादा मिले, फिर और ज्यादा मिल गए। ये बिल्कुल तुम्हारे अफेयर की तरह है जो तुम्हारा चला था पीछे, पहले शुरू में बहुत अच्छा था, फिर धीरे धीरे घटता चला गया और लास्ट में ब्रेकअप हो गया। लेकिन एलिमेंट के साथ ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी, पहले कम फिर ज्यादा फिर बहुत ज्यादा। वैसे एलिमेंट पहले कम थे, फिर ज्यादा हुए और अभी कितने हुए? 118। और तुम्हारे कितने हुए हैं? तुम्हारे तो कुछ हुआ ही नहीं है, कई तो बेचारे बहुत डेस्परेट है जीवन को लेकर के, अपने कुछ हुआ ही नहीं जीवन में कभी इनका। तो अभी फिर से आते हैं वापस। तो एलिमेंट मैंने बता दिया, ये लिखा हुआ है जिसके बारे में, इसके बाद प्रेजेंट में 118। लेकिन हम करेंगे बिल्कुल शुरुआत से कथा के बारे में डिस्कस, ठीक है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से एलिमेंट थे वहां से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था अपना, क्या नाम था बता दो भाई? ना 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 ना, डोबर्नियर। तो मैंने क्या कहा, हमने कहा कि हम बिल्कुल शुरू से कथा के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरू से कथा के बारे में। अपने अपने आप को शांत करो। और यहां देखो, पहला साइंटिस्ट कौन था? एंटोइन लवोजियर। क्या था? एंटोइन लवोजियर। तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे दिमाग के, उड़ रहे हैं ना, धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। देखो सबसे पहला कौन था? एंटोइन लवोजियर, जिसने एलिमेंट्स को सबसे पहले क्लासिफाई किया था, एंटोइन लवोजियर। वैसे पेपर में नहीं आएगा लेकिन दिमाग में आना चाहिए। एंटोइन लवोजियर में कौन था बता दो? एंटोइन लवोजियर ने सिंपली एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया दो हिस्सों में। पहला हिस्सा बांटा मेटल। क्या बांटा? मेटल। कि एलिमेंट दो प्रकार के मिलेंगे, एक होगा मेटल, एक होगा नॉन मेटल।
बोलो कौन सा होगा, मेटल और नॉन मेटल। तुम भी बोलो और तुम सारे भी बोलो साथ साथ। मेटल होगा और दूसरा क्या होगा बताना, नॉन मेटल्स। समझ में आ गया? लेकिन इतनी बात बताई जो कि एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, ये इनफ नहीं है। जैसे सिर्फ नाम बता दें और एड्रेस ना बताएं, ढूंढ लोगे जाके? नहीं ढूंढ सकते। तो ये मेटल और ये नॉन मेटल दो एलिमेंट बता दिए, जो कि सिंपल पूरा तरीके से मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है कंप्लीट। तो इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। सुना होगा इसके बारे में, जिन्होंने तुम्हारी एलेनी कर रखी है। डाल्टन नाम तो तुम तो सुनते ही आए होगे कभी से, बहुत खतरनाक साइंटिस्ट था, मजे वाला। मतलब 1807 की बात थी। इस बंदे ने सिंपली क्या किया, एक टेबल बना दी, लेकिन वो टेबल एलिमेंट्स की नहीं थी, याद रखना इस बात को, समझे? वो टेबल एलिमेंट्स की नहीं थी, वो टेबल थी एटॉमिक मास की। किसकी थी? मास। एटॉमिक वेट बोलते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक वेट की टेबल थी। ये टेबल देख करके ये बात पता हो गई थी कि एटॉमिक वेट होता है एलिमेंट्स का, कि जो एटम होता है उन सबका एटॉमिक वेट होता है। उस एटॉमिक वेट को यूज करके अब नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डो बर्नियर। इस टेबल की बदौलत उन्होंने अब अपना काम करना स्टार्ट किया। और सबसे पहला जो तरीका अपनाया डो बर्नियर ने, अपनाया 1817 में, यानी कि 10 साल के बाद 1817 में ये डो बर्नियर नाम का जो साइंटिस्ट आया, इस साइंटिस्ट ने अरेंज करना शुरू कर दिया एलिमेंट्स को। क्या करना शुरू कर दिया? अरेंज करना शुरू कर दिया एलिमेंट्स को। सारी चीजें आ रही है ना समझ में? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। बताओ क्या करना शुरू किया 1817 में? जितने एलिमेंट अभी मौजूद थे 1817 में, भूल जाओ कितने थे, अप्रोक्सीमेटली कहा जाता था 31 एलिमेंट्स उस टाइम मौजूद थे। कितने थे? 31। वैसे बात जरूरी नहीं है, बट जरूरी ये था कि सबसे पहला जो ट्राई किया था वो एंटोइन लावोसियर ने किया था, मेटल नॉन मेटल के हिसाब में बांट के। उसके बाद जॉन डाल्टन ने एक टेबल बनाई एटॉमिक वेट की, और फिर इस टेबल के बाद पहला साइंटिस्ट जिसने एलिमेंट को अरेंज करना शुरू कर दिया वो था डो बर्नियर। समझ आ रही है ना सारी बात? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। 31 एलिमेंट थे डो बर्नियर के टाइम पे। अच्छा, इसने क्या कार्रवाई की, कैसे इन एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किया, मतलब किस तरीके से किया, वो आप कर रहे पढ़ेंगे हम, ठीक है? उससे पहले सारा नोट कर लो, रिवीजन के टाइम पे सब काम आ जाएगा। और किसी को पोतना हो कि भाई हमें तो आता है, पोत देना आराम से ये सारी चीजें। तो सबसे पहले डो बर्नियर बताने वाला हूं, ठीक है? क्या बताने वाला हूं डो बर्नियर के बारे में? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान है। ओए चुप हो जाओ यार। 31 एलिमेंट्स थे, कितने थे? 31। डो बर्नियर्स रूल, और कई बुक होती हैं वो डो बर्नियर रूल ना बोल के बोलते डो बर्नियर्स ट्रायड। ये सब तुम्हें शायद चुभेंगे। अरे स्पेलिंग देख लेना, नाम की ऐसी है कुछ। एक बार स्पेलिंग का मिस्टेक थोड़ा चल रहा है अपना, पता नहीं आजकल क्या चक्कर चल रहा है, स्पेलिंग अपने सही हो ही नहीं रही। ये देखो, ये डो बर्नियर्स ट्रायड, डो बर्नियर्स ट्रायड। अच्छा इसमें भी सही कर दूं, गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम सारे? डो बर्नियर्स रूल या डो बर्नियर्स ट्रायड्स बोलते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या, ट्रायड्स से मतलब बनाओ। जैसे अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी क्रश का नाम लिख दो, एक मिनट में मतलब निकालोगे छुट्टी बजा के, है ना? लेकिन यार ट्रायड्स का मतलब पूछ रहा हूं, तुम्हें पता ही नहीं है, तो ट्रायड से बना लो। तीन क्या? तीन का मतलब ट्राई, और ट्राई का मतलब ट्रायड्स। अब ये तीन क्या है? तीन वो नहीं जो तुम्हारी बंदी ने बंदे बनाए हैं। तीन का मतलब यहाँ पे तीन एलिमेंट्स है। क्या है तीन का मतलब? यहाँ से तीन एलिमेंट्स मतलब डो बर्नियर तीन बंदे नहीं या बंदी नहीं, तीन एलिमेंट्स को उठाएगा और उन्हें इस तरीके से अरेंज कर देगा कि जो मिडल वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास पहले दो एलिमेंट का एवरेज होगा। उड़ गई ना दिमाग से बात, अब सुनो मेरी बात। ये देखो, ए कोई एलिमेंट लिया, बी कोई एलिमेंट लिया, सी कोई एलिमेंट लिया। सी फोर कैट होता है, हम तो कुछ और ही पढ़ते आए थे, सी एच यू। बड़े ही खतरनाक है। ये ले, ये मैंने तीन एलिमेंट उठा लिए, ए बी और सी, ए बी और
एक तो ना ही अपने फोन की नोटिफिकेशंस को ऑफ करो, जो बार बार ऊपर से मैसेज आ रहे हैं ना तुम्हारी पिंकी सोना के, उनको रोको पहले, ठीक है? क्योंकि मुझे आवाज आ रही है, आ रही है आवाज मुझे तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस की। और बिल्कुल पूरा एक घंटा जितनी देर की वीडियो है, 10-20-15-20 मिनट की, उस सारे को अपने टाइम यहाँ फोकस करो पढ़ाई पे, ठीक है? अब देखो ये ए बी सी तीन एलिमेंट ले लिए, इस एलिमेंट का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बोल देता हूं मैं, ठीक है? एटॉमिक वेट मैं बोल रहा हूं यहां पे, एटॉमिक वेट, ए का एटॉमिक वेट और फिर आ जाए बी का एटॉमिक वेट, तीनों का एटॉमिक वेट कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जॉन डाल्टन ने इतनी बड़ी टेबल ऐसे तो बना के दी नहीं होगी, समझ रहे हो ना? तुम्हारा ऐसे तो काम बढ़ा के दिया नहीं होगा जॉन डाल्टन ने, तीनों का क्या होगा? एटॉमिक वेट होगा। अच्छा, मैं पहले वाले का एटॉमिक वेट और दूसरे वाले का एटॉमिक वेट, यानी कि पहले का ए का एटॉमिक वेट प्लस सी एलिमेंट का एटॉमिक वेट को जोड़ दूं, जोड़ दे और इसको कर देते हैं 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड क्यों किया? एवरेज निकालनी हो दो चीजों की तो दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी 2 होती है। नहीं आई ना बात समझ में? अब आएगी। कोई भी दो चीजें ली, दो चीजों को जोड़ा है तो 2 से डिवाइड करो, एवरेज निकालना है तो। 3 चीजें लो, 3 को जोड़ोगे तो 3 से डिवाइड करोगे। 4 चीजें लोगे, 4 को जोड़ोगे, 4 से डिवाइड करोगे। घुस गई ना दिमाग में बात? तो वो एवरेज निकल जाता है। डो बर्नियर का ट्रायड रूल था ये कि भाई 3 एलिमेंट का ग्रुप बना देगा जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, और फिर पहले और तीसरे एलिमेंट के मास को जोड़ देगा, उनका एवरेज निकाल देगा। जैसे ही एवरेज निकालेगा, एटॉमिक मास आ जाएगा मिडल वाले एलिमेंट का, यानी कि एटॉमिक वेट आ जाएगा मिडल एलिमेंट का। किसका वेट आ जाएगा? मिडल एलिमेंट का आ जाएगा। मेरे ख्याल से तो आ रही है तुम्हारे दिमाग में बात, समझ रहे हो? यानी कि इन दोनों को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दे तो मिडल वाले का एटॉमिक वेट आ जाएगा। दिस इज द डो बर्नियर ट्रायड, यानी कि उसने ग्रुप में बिठा दिया ऐसे 3-3 एलिमेंट को जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, और एटॉमिक मास पहले वाले का और दूसरे वाले का जोड़ के उनका एवरेज निकालेगा तो मिडल वाले एलिमेंट का मास आ जाएगा। समझ में आ गया? ये इसका रूल था, इसकी कहानी थी ये। अब इसी कहानी को समझ तो आ गई तुम्हें, लेकिन इसको पेपर में कैसे लिखना होगा कि व्हाट इज द डो बर्नियर ट्रायड रूल, या पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो सब कुछ कराने वाला हूं। पहले इसे उतार लो एक बारी थोड़ा, ताकि तुम जब नोट्स को रिवीज करो तो सारा रिवीजन करो तो सारा दिमाग में आ जाए। लो हट गया मैं यहां से, ठीक है? इस सारे को उतार लो एक बारी, फिर मैं इसका एक रूल लिखवा देता हूं कि इसने कैसे किया, प्रॉपर्टी कैसे इनको बनाया। ठीक है, तो देखो मेरा दिल्ली ये पुकार आ तो जाएगी, वो फेल करा जाएगी, याद रखिए। क्यों भाई अंश? ठीक है, डो बर्नियर के ट्रायड रूल के हिसाब से अगर हम चलें तो एलिमेंट इन ए ट्रायड हैड सिमिलर प्रॉपर्टी, तो ही शोड दैट, या फिर इसको ऐसे मत लिखो, ही ग्रुप्ड थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल, या फिर सिंपली लिखो हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, ही ग्रुप्ड थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड इट ट्राइड्स, कॉल्ड इट ट्राइड्स, और इसे क्या बोलना शुरू कर दिया? ट्राइड्स। वारे वारे मेरे शेर। अच्छा, तेरी क्रश का नाम क्या है? ट्राइड का मतलब क्या होता है? ट्राइड का मतलब होता है जब तुम्हारी बंदी काट के जाए और 3 के साथ हो जाए, 3 होता है ट्राइड का मतलब, समझे? अब भी नहीं आया? हिंदी में ही होता है, ट्राइड का मतलब होता है 3। ठीक है, पहली बात तो यही लिख देना भैया, ठीक है? दूसरी बात, इन द ट्राइड्स द
एटॉमिक वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, बहुत गंदा पीट दूंगा, याद रखो इस बात को, तुम्हारे साथ तो कोई बंदी क्या बंदा भी ना रहे, जैसी तुम्हारी शक्ल है वैसे तो कोई रहेगा नहीं साथ, और कोई गलती से किसी अंधी 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 लड़की ने किसी से, मतलब किसी ऐसी लड़की ने जिसके दिमाग में खराबी हो, उसने तुम्हारे तुम्हें देख के हाँ कर भी दी और तुम्हारे साथ रहने भी लग गई, तो जैसे तुम्हारी हरकत है ना, सात जन्मों तक वो आने वाली पीढ़ियों को कहती रहेगी इनसे दूर रहना, पूरे खानदान से दूर रहना इनके। द ट्रायड्स द एटॉमिक इन द ट्रायड्स द एटॉमिक वेट ऑफ द थर्ड वेट ऑफ द, अरे यार सारा बीच में ना ये गड़बड़ मत करवाया करो, ऑफ द मिडल एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द एवरेज ऑफ average of atomic weight of first and third element. example of Some triads. पेपर में आए तो ऐसे लिखना है कि उसने तीन ग्रुप, देखो मैंने लिखा क्या, वही जो समझाया कि उसने तीन ग्रुप का एलिमेंट बनाया है, सॉरी तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया है जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी, उसे आप ट्रायड बोलोगे। हर एक ट्रायड के अंदर जो एटॉमिक वेट होगा मिडल एलिमेंट का, वो अप्रोक्सीमेटली एवरेज होगा एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। समझ में आ गया? अरे बोलो, जो समझाया वही तो लिखा है, पेपर में लिख नहीं सकते क्या तुम इसे? अब एग्जांपल ऑफ सम ट्रायड्स वो लिखते हैं, कर दू इसे रब? अरे बोलो ना, कर दो, समझ में आ गया इतना? तो एग्जांपल ऑफ सम ट्रायड्स, कुछ ट्रायड्स के एग्जांपल कर लो फिर तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे कौन सा करे बताओ, लीना की क्या बताएगा? किसका बताएगा? चिंकी? बेटा एक बात बताऊं, चिंकी भी चली जाएगी और पेपर भी फेल हो जाएगा, और पिताजी के जो जूत लगे ना पिछवाड़े पे वो अलग प्रकार से लगेंगे। समझ में आया नहीं आया? लो आप बहन बना लिया ना सर, मेरी बहन है सगी। अरे ओ सख्त लोंडा, लोंडे में सख्ता ही बहुत है। लोंडे में सख्ता ही बहुत है। दो है पिंकी, ले भाई। इसका एटॉमिक मास 6 होता है, इसका होता है 23 एंड पोटेशियम का कितना होता है 39, प्रॉक्सी 6.9। ये एटॉमिक वेट हो गया। अब देखो भाई, एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट निकालो, एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। अच्छा ये Li का मतलब पता है क्या होता है? बताना, कईयों को पता ही नहीं होता Li का मतलब क्या होता है। सोडियम, और K का क्या होता है? पोटेशियम होता है। ये थोड़ा एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना? अच्छा, अब एटॉमिक एवरेज निकालो, एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट
ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। चलो तुम भी निकालो, कैलकुलेशन तो आती होगी सभी को। चलो एक बार निकालो सारे, एवरेज का निकालो, 6.9 प्लस 39 एंड डिवाइडेड बाय 2। वाह 12 आएगा। एक बार कैलकुलेशन करके दिखाओ आप सभी भी। चलो चलो जल्दी करके दिखाओ। 46.9 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब ये आएगा 23.4 आ गया। तो दिस इज द सेकंड, है ना, अप्रोक्सीमेटली सेम सेम है ना। देखो सेम सेम कर लो, ये सेम सेम है ना या नहीं है। दिस इज द डो बर्नियर स्ट्राइड, ये एक ट्राइड था डो बर्नियर का जो लगाया हमने, समझ में आया। एक और ट्राइड करके देखते हैं, चलो करें। कौन है सीबीआई पे लगा दो, लगाओ सीबीआई पे, सीबीआई पे लगा दो। सीबीआई का नाम सुना है कभी बेटा? जब भागोगे ना किसी को लेके वो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात लगेगी, वो सीबीआई हो गया। वाह, आय का मतलब आयोडीन होता है, आयरन होता है 35.5 123। चलो इसका निकालो तुम सारे, कितना होता है 126 होता है 79.9 126.9। चलो इसका निकालो एवरेज, 79.9 इसका निकालो एवरेज। चलो इसको और इसको जोड़ो, हो गया 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा एवरेज बताओ। 79.9 इसको जोड़ोगे तो कितना बनेगा, यहाँ से ये बनेगा 81.2। अच्छा इसको जब आप इसको सोल्व करोगे पूरे को, इसको आएगा 81.2। ये देखो, ये देखो सिमिलर सा ही है ना, ये देखो दोनों में सिमिलैरिटी है क्या। तो अप्रोक्सीमेटली कहा, मैंने डेफिनेशन पढ़ एक बार फिर से जो लिखवाई है, उतारी नहीं होगी तूने बेटा, कुछ और उतारता है तू अपने घर पे जाके, तभी तू इतना कमजोर हो रखा है। ये देखो ये चीजें आ रही है ना समझ में यहाँ पे, तो ये चीजें यहाँ से याद रखोगे कि अप्रोक्सीमेटली सेम होगा डो बर्नियर के अकॉर्डिंग, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। समझ आ रही है बात, इस तरीके से याद रखना इसे। तो ये था डो बर्नियर का ट्रायड। अच्छा इसकी लिमिटेशन कहाँ रही, क्योंकि ये जो लो था जो ये इसने ला दिया डो बर्नियर ने, ये पूरी जगह एप्लीकेबल नहीं था, ये फेल हो गया था, मतलब हर जगह एप्लीकेबल तो था ही नहीं है। तो जब ये फेल हो गया, ऐसा लो जो ये फेल हो रहा है, तो फिर इसको पढ़ी क्यों रहे थे, यही बात आई होगी दिमाग में कि तुम बैठे हो इतने तगड़े भेड़िए हो तुम, तो तुम्हारे सामने कोई टीचर हो और वो फीमेल टीचर हो और ये चीजें बता दे और लास्ट में बोल दे गलत हो गया, गलत है नहीं पढ़ना चाहिए, तुम तो खा जाओगे उसे। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं, ये अगर किसी काम को शुरू किया जाए कहीं से तो स्टार्ट देना पड़ता है, वो फेल हो जाए फिर कोई नया साइंटिस्ट आए वो फिर से स्टार्ट करे, लेकिन अब उसे जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अब वो जीरो से स्टार्ट थोड़ी करेगा, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट मिल चुका है उसे, तो अब वो जहां से स्टार्ट करेगा इस चीज को, वो जीरो तो नहीं हो गया है, कोई ना कोई पोजिशन मिल चुकी होती है, कोई ना कोई जगह मिल चुकी होती है कि भाई अब यहां से मेरे को ज्यादा पढ़ना चाहिए, कि वो वाला रूल तो लगा नहीं सकते। तो किसी भी सक्सेसफुल काम के पीछे बहुत सारी नाकामयाबी होती है, तो वो नाकामयाबी इन्होंने की और फिर जाकर के लास्ट में एक साइंटिस्ट आएगा जो बताएगा। सो ड्रॉबैक्स क्या रहे जिसकी वजह से इस टेबल को हर जगह लगा नहीं पाए, ड्रॉबैक्स ऑफ डो बर्नियर। तो भाई ड्रॉबैक्स ऑफ डो बर्नियर स्ट्राइड में आते हैं, तो इसका जो रूल था सब पे एप्लीकेबल नहीं था। कमाल हो यार, अड़ाते बोलने लग जाओ तुम तो। डो बर्नियर्स का जो ट्रायड रूल था वो सब पे एप्लीकेबल नहीं था, तो यानी कि डो बर्नियर्स
ट्राइड रूल इज could not be applicable for all non elements at that time. सब पे एप्लीकेबल नहीं था. He made only थ्री ट्राइड्स, यानी कि तीन ही ट्राइड बना सका, ये तीन ही ग्रुप के ट्राइड बना सका ये, सिर्फ ज्यादा नहीं बना पाया. ही मेड ओनली थ्री ट्राइड्स ऑफ ऑल द नॉन एलिमेंट फ्रॉम ऑल द नॉन एलिमेंट्स. और नंबर थर्ड, His triad rule failed for some elements as shown. इसका जो triad rule था कुछ element के लिए fail हो गया, उनको मैं अभी यहां बना के दिखा दूंगा, फिर तुम्हें ज्यादा चीजें आ जाएंगी. यानी कि इसका triad rule था, उस समय जितने element मौजूद थे सब पे applicable था ही नहीं, कुछ पे applicable था. दूसरी बात, ये ट्राइड बना सका उन सारे एलिमेंट में से सिर्फ तीन, यानी कि तीन ग्रुप, फिर तीन ग्रुप और फिर तीन ग्रुप, ओनली तीन ऐसे ग्रुप बना सका ट्राइड वाले, बाकी बने नहीं पाए. अच्छा, रीजन क्या था क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि जो मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट था वो आ ही नहीं रहा था, बहुत ज्यादा गैप आ रहा था. जैसे पहले तो थोड़ा बहुत गैप आ रहा था इक्का दुक्का, अब बहुत ज्यादा गैप आ रहा था. तो ये सब देख करके भाई इसका रूल फिर वहां पे कोलैप्स कर गया, चला ही नहीं, मतलब अच्छे से कर ही नहीं पाया, कोलैप्स का मतलब गिर गया. आ गया होगा समझ में, हटा दी से. तो ये इसकी ट्राइड की जो इसकी बात है वो बता देता हूं यहां. चलो, ऊपर वाले दो पॉइंट तो उतार ही लिए होंगे तुमने, नीचे वाला पॉइंट हटा देता हूं. ये देखो, ट्राइड रूल लगाते हैं हम इस पे, जो इसने लगाया ये इस पे लगाओ, इस पे ट्राइड रूल लगेगा नहीं. नेम ऑफ एलिमेंट हो गया यहां पे अपने, वही जो हम करते आए हैं अपनी टेबल, इनके हिसाब से चलाए, ठीक है. और सेकंड वन इज द एटॉमिक वेट. जैसे इसका कितना होता है एटॉमिक वेट, 14, 31, और फिर आता है और सैनिक का होता है भैया 74. नाम होता है एन का, मतलब क्या होता है नाइट्रोजन होता है, क्या होता है नाइट्रोजन. पी का मतलब फॉस्फोरस, ठीक है. और ए एस का मतलब होता है आर्सेनिक. इसके एलिमेंट बन गए, तो यहां पे लगा दो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल के देखो. एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एन एंड ए एस, देखो इसका निकालो एवरेज एटॉमिक मास, 14+74.9 डिवाइडेड बाय 2. इसको निकालोगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 44.45. अच्छा, आप देखो ये जो इसका 31 और ये 44.45 है, क्या इन दोनों में सिमिलरिटी दिख रही है कहीं कहीं? बहुत ज्यादा गैप हो गया ना, लार्ज गैप आ रहा है, ये तो नॉट एप्लीकेबल, लार्ज गैप आ गया तो आई नहीं पाया. तो हिज ट्राइड रूल फेल्ड फॉर सम एलिमेंट्स सच एज, ये जो मैंने बना दिया यहाँ पे, इसको ऐसे याद रख लो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, ठीक है ना, इसको ऐसे याद रख लो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या पे रूल नहीं लगेगा किसी का, मन मर्जी करेंगे, गंजा पूंजा सुंदर इतनी है वो क्या करे. तो इस लेक्चर में डोबरनियर का ट्राइड रूल यहीं तक फॉलो करते हैं, मतलब यहीं तक पढ़ते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो नए नए साइंटिस्ट है, न्यूलैंड है, मेंडलीव है, हेनरी मोजले है, जो फाइनल प्रोडक्ट टेबल है वहां तक हम कैसे पहुंचे वो सब पढ़ेंगे. तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्टडी करेंगे. तो तब तक के लिए नोट्स को रिवाइज कर लेना और अपने आसपास सफाई रखें और मजेदार तरीके से पढ़ते रहें. मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.